इस चैनल पे अपलोड किए गए किसी भी वीडियो को देखकर आप खुद से दवाई नहीं लें ना ही किसी को दें। यदि ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़े तो डॉक्टर को बता के ही लें। फिर भी यदि आप दवा लेते हैं तो उस होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार आप खुद होंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज का वीडियो फिर से आपकी ही डिमांड में बना रहा हूँ, जो कि आर्टेसुनेट इंजेक्शन के लिए बना रहा हूँ। जानेंगे क्या क्या ब्रांड नेम मार्केट में अवेलेबल है, किन किन स्थितियों में ये इंजेक्शन दिया जाता है, क्या इसका यूज रहता है, कुछ साइड इफेक्ट के बारे में, इसकी डोज को पूरे विस्तार से जानेंगे, किस तरह से इंजेक्शन लगाया जाता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्या प्रेगनेंसी में सेफ है या नहीं सेफ है, ये सभी बातें इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को पूरा देखें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको आर्टेसुनेट इंजेक्शन के बारे में मिल सके। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्नआउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। आर्टेसुनेट एक एंटी मलेरियल मेडिसिन है, जो कि सेस्क्विटर्पिन लैक्टोन ग्रुप की दवा है और ये प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके बनाई जाती है। यह जो दवा है आपको दूसरे जो एंटी मलेरियल मेडिसिन है उससे सुपीरियर है। जब वो कार्य नहीं करती उस समय यह दवा दी जाती है, जैसा कि क्लोरोक्विन, प्रिमाक्विन, मेफोलोक्विन और क्विनिन। यह जब कार्य नहीं करेगी तब आर्टेसुनेट दवा दी जाएगी। और यह जो दवा है आपको फास्ट एक्टिंग तथा लो टॉक्सिसिटी रखने वाली दवा है। साथ ही यह प्रेगनेंसी तथा ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ है। इसके बारे में पूरी डिटेल में आगे वीडियो हम जानेंगे। और जो आर्टेसुनेट दवा है आपको इंजेक्शन फॉर्म में, टेबलेट फॉर्म में, साथ ही सपोजिटरी फॉर्म में अलग अलग मिल जाती है। इसकी जो टेबलेट है दो अलग अलग आपको कॉम्बिनेशन में तथा सिंगल साथ में मिल सकती है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ आर्टेसुनेट इंजेक्शन के बारे में जानेंगे। आर्टेसुनेट जो इंजेक्शन है आपको 30 मिलीग्राम, 60 मिलीग्राम तथा 120 मिलीग्राम के अलग अलग स्ट्रेन में मिल जाता है। साथ ही जब ये पैकिंग आप खरीदते हैं आर्टेसुनेट इंजेक्शन की, तो उसमें आपको तीन वायल देखने के लिए मिलती है, जिसमें एक पाउडर फॉर्म, एक सोडियम बाइकार्बोनेट तथा एक स्टाइल वाटर की पैकिंग होती है। इसको किस तरह से मिक्स किया जाता है इसके बारे में हम वीडियो में डोज के सेक्शन में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं क्या क्या ब्रांड नेम से ये मार्केट में बोले, जिससे कि आप आसानी से इसको खरीद सकें और इसके बारे में आप जान सकें किस दवा के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पॉपुलर जो इसकी ब्रांड है वो है फाल्सिगो इंजेक्शन, आर्जुनेट इंजेक्शन, लेरिनेट इंजेक्शन और एक्सनेट इंजेक्शन, डिजीनेट इंजेक्शन। ये कुछ इसकी पॉपुलर ब्रांड है। और जो ब्रांड है अलग भी आपके एरिया मिल सकती है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो। जो ब्रांड है एक ही जगह दूसरी भी सब्स्टिट्यूट करके दी जा सकती है। इसकी यूज की अगर बात करें तो जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी, एक एंटी मलेरियल मेडिसिन है जो कि मलेरिया फीवर के ट्रीटमेंट में प्रयोग लाई जाती है। यदि किसी व्यक्ति को मलेरिया का फीवर है या सीवियर मलेरिया फीवर है, सर्दी लग के बुखार आता है या बुखार आने के बाद उसको वोमिटिंग और दस्त की शिकायत रहती है, ये मलेरिया और स्पेशली यह जो फाल्सिफेरम मलेरिया है, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम के जो कारण मलेरिया होता है उसको ठीक करने के लिए मुख्यतः इसका प्रयोग लिया जाता है। यूज को जानने के बाद बढ़ते हैं इसके साइड इफेक्ट की तरफ। चूंकि बहुत ही सेफ दवा है, बिल्कुल नुकसान नहीं करती, फिर भी कई व्यक्तियों में इसके नुकसान देखेंगे, दुष्परिणाम देखेंगे, जिसके बारे में हम जान लेते हैं। कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है जिसमें व्यक्ति की जो WBC काउंटिंग है उसमें कमी आ जाती है, साथ ही वोमिटिंग होना, टिनाइटस रहना, कुछ एलर्जिक रिएक्शन होना, ब्लड प्रेशर का कुछ चेंजेज हो जाना, ये कुछ प्रॉब्लम व्यक्ति में देखी गई है। यदि कुछ ऐसी सिचुएशन आपको मिले तो इस इंजेक्शन का प्रयोग बंद करें, अपने डॉक्टर से मिलें, जिससे कि आपको कोई इंजेक्शन और लिखे या कोई ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब जानते हैं दोस्तों इसकी डोज के बारे में, क्या प्रकार से इसको लेना आता है, किस प्रकार से इसको लगाना होता है। यह जो इंजेक्शन है IM इंट्रामस्कुलर तथा IV इंट्राविनस दोनों ही रूप में, दोनों ही रूट से लगाया जाता है। जैसा कि हमने बात ही की थी कि इसका जो भी वायल आप खरीदते हैं तो उसमें आपको तीन अलग अलग वायल मिलती है, जिसमें पाउडर फॉर्म, सोडियम बाइकार्बोनेट और स्टराइल वाटर होता है। सबसे पहले आपको सोडियम बाइकार्बोनेट जो 1 ml की पैकिंग है उसको पाउडर फॉर्म में मिक्स करना होता है, अच्छी तरह से उसको हिला के क्लियर सॉल्यूशन बना लेना होता है। और जब क्लियर सॉल्यूशन बन जाए तो उसके बाद में जो स्टराइल वाटर है, जो डिस्टिल वाटर है, उसको उसमें ऐड किया जाता है और पेशेंट को लगाने के लिए रेडी वो होता है। और जब आप IM इंजेक्शन लगाते हैं तो आप विशेष तौर से ध्यान रखें जो स्टराइल वाटर है वो सिर्फ 3 ml ही मिक्स किया जाता है, क्योंकि 3 ml स्टराइल वाटर और 1 ml सोडियम बाइकार्बोनेट, टोटल 4 ml, और मैक्सिमम जो कैपेसिटी IM की 4 ml ही होती है। और उसके अलावा जब IV इंजेक्शन लगाते हैं तो उस समय यह पूरा 5 ml डिस्टिल वाटर उसमें एड कर दिया जाता है। तो ये कुछ इसको लगाने का तरीका रहा। और कितनी मात्रा में लगाया जाता है ये तो पेशेंट टू पेशेंट, नीड के अनुसार
डिपेंड करता है, डॉक्टर अपने कैलकुलेशन से लगाते हैं। फिर भी जो रिकमेंडेड डोज स्टडीज में बताई गई है, बुक्स में बताई गई है, वो मैं आपको बताता हूँ। यदि कोई बच्चा है जिसका वजन 20 किलोग्राम से कम है, उसको 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से, सॉरी 3 मिलीग्राम इंजेक्शन प्रति किलोग्राम बॉडी वेट के अनुसार दिया जाता है। और यदि कोई बच्चा है जो 20 किलोग्राम से ज्यादा वजन का है या कोई एडल्ट है, उसे 2.4 मिलीग्राम पर केजी के अनुसार कैलकुलेट करके दी जाती है। तो ये कुछ इसकी डोज कैलकुलेशन है, ये सिर्फ डॉक्टर डिसाइड करते हैं, आपको बिल्कुल इसकी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ये कुछ इसकी डोज है, कैसे आपको लगाना होता है। अब यदि इस इंजेक्शन की बात करें, प्रेगनेंसी में सेफ है या नहीं है, तो बिल्कुल ये प्रेगनेंसी में सेफ है, दिया जा सकता है। स्टडीज बोलते हैं यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले महीने से लगाकर 3 महीने में दिया जाए तो बिल्कुल सेफ है। लेकिन इसके अलावा भी कई बार इसको लगाया गया था 4-4 महीने से लगाकर 9 महीने तक, उसमें भी मरीज को कोई नुकसान नहीं देखा गया। इसी कारण से इसको पहले महीने से लगाकर 9 महीने तक आवश्यकता होने पर जो डॉक्टर है, जो प्रैक्टिशनर है, वो इसका यूज करते हैं और पेशेंट को इसका अच्छा फायदा मिलता है। साथ ही जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उसे भी ये इंजेक्शन लगाया जा सकता है, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं करता है। तो दोस्तों ये कंप्लीट मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन आर्टिसुनेट इंजेक्शन के बारे में बताई है। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत ही मददगार रहेगा और बिल्कुल से सही फैक्ट आपको सुनने के लिए मिले होंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्नआउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर जरूर से सब्सक्राइब कर दें। जो पास में बेल आइकन है इसे जरूर से दबाएं, जो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मुफ्त में आपको मिले और मुफ्त में मेरा वीडियो आप देख पाएं। आप तो अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ और देख रहे थे अपने यूट्यूब चैनल लर्नआउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल। मेडिसिन यूजेज़